नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, मेरे पास ये होम थिएटर आया है FND का। इसका मॉडल नंबर देखिए, F3000U। ये 5000 वाट का है और 5-in-1 चैनल है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए USB सिस्टम लगा हुआ है, इधर बढ़िया है इसका साउंड क्वालिटी। तो इसमें प्रॉब्लम है, इसका जो अगर करंट का जो प्लग है, इसको बोर्ड में लगाते ही घर का बिजली गायब हो जाता है, ठीक है। घर का बिजली गायब हो जाता है मतलब घर में से करंट चला जाता है। तो इसमें करंट क्यों चला जाता है, इसमें अंदर में कोई गड़बड़ होगा, शॉर्ट वगैरह हो सकता है, इसका पावर सप्लाई वगैरह ख़राब हो सकता है। तो इसको हम डायरेक्ट लाइन में नहीं, सिर्फ इसको सीरीज लाइन में लगाएंगे। और सीरीज लाइन में जब लगाएंगे, अगर शॉर्ट रहेगा तो इसका जो सीरीज का बल्ब है वो जलने लगेगा। तो इसको हम प्लग में डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से ग्लो हो रखा है। तो हमारा जो होम थिएटर है, तो इसको हम खोल के देखते हैं, निकाल के इसमें क्या प्रॉब्लम हो सका है। तो इसको घुमा के देखते हैं पीछे, इसका इसका पीछे स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए पीछे, तो चैनल पे बने रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम, कस्टमर ने बोला इसको रिपेयर करके ब्लूटूथ भी लगा देना है, ऐसे बोला है। मैंने बोला ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हम इसका स्क्रू जो है, सारा स्क्रू खोल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों, हमारा जो इसका जो स्क्रू है, हमने इसका सारा स्क्रू निकाल दिया है। तो इसका जो बोर्ड है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना बड़ा बोर्ड है इसमें और कितना सारा इसमें IC दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ये SMPS होता है। देखिए वो, देखिए अंदर में इसका SMPS पावर सप्लाई है, वो वाला पावर सप्लाई हमको निकालना होगा, उसमें देखना होगा क्या प्रॉब्लम है। तो चैनल पर बने रहिए, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये हम निकाल रहे हैं इसको दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जला हुआ है, यहाँ पे पार्ट वगैरह जल चुका है, ठीक है। इसका जो MOSFET है, ये भी शायद ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे जो रेगुलेटर सेक्शन है, ये भी देखिए कैसा, ये वाला जो IC होता है रेगुलेटर, ये भी ख़राब हो चुका है। अगर यहाँ पे जला हुआ है तो ये भी ख़राब ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये तो नया मैकेनिक को, अगर नया तरह का मैकेनिक है तो उसको दिक्कत हो जाएगा, ये पावर सप्लाई तो मार्केट में नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें देखिए वोल्टेज वगैरह 14 वोल्ट माइनस, 14 वोल्ट प्लस और ग्राउंड है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। देखिए 3 एम्पियर का है ये। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो ट्रांसफार्मर से इसका साउंड ठीक नहीं होगा, इसको ही रिपेयर करना होगा। तो इसको रिपेयर हम कैसे करते हैं, ठीक है, इसके लिए हमको जुगाड़ लगाना होगा। तो चैनल पे बने रहिए और देखते हैं हम क्या करते हैं, देखते रहिए। MOSFET वगैरह सब हम खोल देंगे।
पहले इसको, इसका मॉस्फेट हम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसका मॉस्फेट खोल लिया है, तो ये मॉस्फेट इसका ज़रूर से ख़राब हो चुका होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम एक मॉड्यूल लगाएंगे। मॉड्यूल लगाना कैसा है आपको दिखाते हैं। पहले हमने ये मॉड्यूल ये वाला मॉड्यूल हम इसमें लगा के देखेंगे, ठीक है। ये आपको अगर चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ पे कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपको वोल्टेज वगैरह चेक करके दिखाएंगे इसमें वोल्टेज कितना निकल रहा है, ठीक है। इसको हमको ऐसे लगाना है ताकि ये जब ऐसे ऐसे हीटसिंग ऐसे लगता है तो ये वाला ऐसे होकर के फिट हो जाए। तो हम इसको लगा के दिखाते हैं। ये हमने इसका स्क्रू जो है कस दिया है, तो इसको हम इस हीट सिंक को इधर बिठा देंगे। और कनेक्शन कैसे करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए नेगेटिव कनेक्शन होता है, ये वाला होता है नेगेटिव कनेक्शन। इस नेगेटिव को हमको यहाँ पे लगाना है इस मॉस्फेट के इस वाले पिन में हमको लगाना है। ये हमारा नेगेटिव का कनेक्शन है, ये नेगेटिव का कनेक्शन हो गया दोस्तों। अभी हमको पॉजिटिव का कनेक्शन देना है। पॉजिटिव हम कहाँ देंगे, ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है इसमें हम इस पॉइंट को लगा देंगे। ये लगा दिया। तो अभी हमको यहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग करना है। ये देखिए हम इसमें कनेक्शन कर दिया है। अभी इसका जो हीट सिंक है इसको हम यहाँ पे अच्छे से लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हीट सिंक हम यहाँ पे बिठा लेते हैं अच्छे से। उसके बाद हम लाइन देके चेक करेंगे वोल्टेज वगैरह बराबर निकल रहा है या कोई दिक्कत है। तो दोस्तों हमने देखिए ये फिटिंग हमारा हो गया है, इंस्टॉल करना हो गया। तो हम इसको वोल्टेज चेक करेंगे। तो अभी देखते हैं जो हमारा जो सीरीज वाला जो बल्ब था वो हमारा ग्लू हुआ कि नहीं। तो आपको ये बल्ब हम बंद कर देंगे और इधर से रोशनी आएंगे, ठीक है। आप देखिएगा अगर यहाँ पे शॉर्ट है तो फिर से ये रोशनी दिखाई देगा। देखिए कोई रोशनी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो सप्लाई आना चाहिए वो हमारा बराबर आ चुका है। तो यहाँ पे आउटपुट सप्लाई हमारा निकल रहा है या इसमें कोई और प्रॉब्लम है इसको देख लेते हैं। इसमें जो सप्लाई आना चाहिए
33 वोल्ट सप्लाई हमारा निकल रहा है, मतलब ये पावर सप्लाई हमारा ओके है। ठीक है, 17 वोल्ट 16 वोल्ट माइनस, ठीक है, इसमें वोल्टेज अभी ओके है, वोल्ट निकल रहा है। तो हम इसको अभी यहाँ पे सप्लाई देके देखेंगे ये काम करता है या और प्रॉब्लम है इसमें। तो इसका जो कनेक्शन है इसको अच्छे से यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया। ठीक है दोस्त, ये आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है। ये जो मॉस्फेट था, ये वाला मॉस्फेट था, ये आपको चाइनीज़ मॉस्फेट होता है, ये नहीं मिलता है। ठीक है, जितना दिन कंपनी का मॉस्फेट रहता है उतने दिन ये चलते रहता है। अगर आप मार्केट से ये परचेज भी करेंगे तो टिकेगा नहीं, ठीक है, लास्टिंग नहीं करेगा, ऐसा इस तरह का मॉस्फेट होता है। तो हम इसको पहले इस होम थिएटर में अंदर डाल लेते हैं, डालने के बाद हम देखेंगे ये ऑन होता है या कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद हम इसमें ब्लूटूथ लगाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले अंदर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये हम फ्रंट साइड में ये जो पैनल है इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे पैनल रहता है, इसको निकाल लिया। उसके बाद हमको इधर ब्लूटूथ लगाने में यहाँ पे 5 वोल्ट का ज़रूरत होगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे देखिए कि मैं LM लगा हुआ है, इसमें से हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इस ब्लूटूथ में 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, उसके बाद इसका ऑडियो कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसको बजा के टेस्ट करेंगे, उसके लगा लेते हैं। दोस्तों, हमने ब्लूटूथ का जो सप्लाई है इस LM से लेंगे। ठीक है, तो LM में से हमें कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है, तो हम इसको दिखाते हैं। ये हमारा 14 वोल्ट, मतलब 13 वोल्ट 14 वोल्ट हमें मिल रहा है इनपुट में, और आउटपुट में 4.9 वोल्ट मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ से सप्लाई, हमारा ब्लूटूथ का जो सप्लाई कनेक्शन है ये हमने इधर कर लिया है। अभी हम जो फ्रंट का जो मैंने ये ढक्कन खोला है इसको इधर इसको लगा देंगे, क्योंकि इधर हमारा कोई काम नहीं है अभी, और जो भी काम है हमारा तो हमारा देखिए इस तरफ हमने घुमा लिया है। ये वाला देखिए, ये ब्लूटूथ का चिप्स का कनेक्शन हमने उस वहाँ से इस तरफ ले लिया। ठीक है, ये वाला चिप्स हम यहाँ पे चिपका देंगे। यहाँ पे चिपका देने से भी चलेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ अच्छे से चिपका देंगे, इसका ऑडियो कनेक्शन कर लेते हैं देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऑडियो लाइन है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद आपको इसका साउंड सुनाएंगे। तो इसका कनेक्शन हम बढ़िया से इसमें कर देते हैं। ये हो गया, इस चिप्स को हम अच्छे से चिपका देंगे ताकि इधर उधर हिलने ना पाए। तो दोस्तों, हमारा सब कुछ फिटिंग हो गया है, तो हम इसको अभी लाइन देंगे और इसमें साउंड आपको सुनाएंगे कैसा ऑडियो आ रहा है। तो ये ऑन हो चुका है, तो इसका जो ऑप्शन है उसको हम चेंज करते हैं। ये ऑप्शन हमने ऑप्शन चेंज कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे हमने चिप्स लगा दिया है और बढ़िया से वर्क कर रहा है।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।